शत्रुंजय गिरिराज पाली तनाकी, यह पवित्र भूमि और इस पवित्र भूमि में पर्युषण महापर्व का यह मंगलकारी अवसर, और इस मंगलकारी अवसर में आज भादरवा सुदी एकम का बेफते महीने का एक अद्भुत अवसर, और इस शुभ घड़ी में, इस शुभ मंगलमय अवसर में गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नवरत्न सागर शिशोर जी महाराज साहब जी के द्वारा प्रस्तावित नए साल की जो महामांगलिक है, उस नए महा की महामांगलिक के अंदर आज बड़ी संख्या में आप सभी का यहां पर आगमन हुआ है। पुण्यशालियों, महामंगलकारी मंगलिक की शुभारंभ होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। आज समूचा विश्व बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, संकट में। इस संकट की बेला में हम सभी को संबल प्राप्त करना है, हम सभी को विश्वास प्राप्त करना है। जिन शासन के अंदर रहे हुए मंत्रोच्चार हजारों साल प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए पवित्र स्तोत्र पाठ हमारे भीतर के आत्मा में एक शक्ति भर देंगे, एक नई ऊर्जा का आह्वान करेंगे, अद्भुत शक्ति का एक संगम करेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ में, बहुत विश्वास के साथ में आइए हम श्रवण करते हैं महामंगली महामंगली महामंगली। सर्वप्रथम ओंकार के नाद के साथ में हम सबको ओंकार का उच्चारण करना है। ओंकार के नाद का उच्चारण करने के साथ में पूरे वायुमंडल के अंदर पवित्रता रखनी है, समूचे वातावरण में एक ऊर्जा भरनी है। प्रथम मैं बोलूंगा, उसका अनुसरण आप सभी को करना है। दो हाथ जोड़ लीजिए, जरूर दो हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। ओ
शुद्धि, वातावरण की निर्मलता, वातावरण की पवित्रता, और अब महान प्रभावशाली मांगलिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। पुण्यशालियों, आइए मांगलिक के जितने भी मंत्रोच्चार हैं बड़ा ध्यान से श्रवण करना है आप सभी को, और इस मांगलिक के मंत्रोच्चारों के माध्यम से हम अपने भीतर में रहे हुए जितने भी अशांति के तत्व हैं उन सारे अशांति के तत्वों को शांत करने जा रहे हैं। आइए हम श्रवण कर रहे हैं। मैं जैसे मुद्रा करूं वैसे मुद्रा आप जरूर करनी। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षकरम वज्र पंजराभं स्मराम्यहं। ओम नमो हरिहंतानां शिरस्कं शिरसे स्थितां। ओम नमो रक्षा रक्षा। ओम नमो लोए सब फाउनम रोम पादौ रक्षा रक्षा।
ओम नमो रियंताणम राम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो सिद्धाणम रिम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयरियाणम रुम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो वज्जायाणम रिम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोये सलोसावणम रौ पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रियंताणम राम शेषम रक्ष रक्ष स्वाहा। सिद्धानं रिम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयरियाणं रुम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो वज्जायाणं रिम नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोये सवसावणं रौं पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम राम रिम रुम रेम रौं रा वरे सुवरे असि औसाम सर्वसिद्धाधिपते जय विजय जयंत प्रजिते श्री पंच परमेश्वर भगवंते श्री जगत दर्शन ज्ञान जयंत तपम श्री धर्म रुम सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा। सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा। सर्वांगम रक्ष रक्ष स्वाहा। खामे मि सर्व जीवे खामे मि सर्व जीवे सौवे जीवा खमन्तु मे सौवे जीवा खमन्तु मे नित्य मे सर्व भूवेषु नित्य मे सर्व भूवेषु वेरं मज्जं न केनहि वेरं मज्जं न केनहि अन्यथा शरणं नास्ति अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर 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 शिवमस्तु सर्व जगत शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा परहित निरता भवन्तु दोषा प्रयान्तु नाशम् दोषा प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। पुण्यशाली हो अभी आपको जो मुद्रा करनी है वो ध्यान मुद्रा करनी है, योग मुद्रा करनी है, ज्ञान मुद्रा करनी है। वैसे तो आप ध्यान करते नहीं हैं और जिसका आप ध्यान करते हैं उसका बयान मैं अभी कर नहीं सकता। अभी तो आपको केवल महामंगलिक की ये पवित्र जो मंत्र पाठ है इन शब्दों को आपको उतारना है, पीना है, जीना है, उसे उसमें रम जाना है, खो जाना है। आइए इस ध्यान मुद्रा के अंदर बैठकर सारे मंत्रों का श्रवण करके जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां परम शांति का अनुभव आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लेफावणम एफो पंचनमुकारो सव पावपणासनम मंगलाणम च सर्वेशेम परमं भवै मंगलम उवसगरं पासं पासमंदामि कम्बगणं कम्बि फरफिरनसं मंगलगलानावसमि फरबुलिमदं कंठे धारे जोफेमनमत सगरो मलितुतराजं देवसं उवसमं चिट्टौद्रेमदुचमनामो विभवलयं नरात्रिये सुजीव पावन्तिनदुकुदवर्षं उवसमद्रदेशिन्दामणिकपपयपये पावन्त्य विघ्नं जीवाय रमरं प्राणमियफन्दुवाय शपत्यवर्णिप्रणयेन तादेवजमयम्बैवे पावतिं चन्दं सन्तिकरं सन्दीयनं जगफणं जय श्रीदायनं सौरामि बत्तबालगणिवाणि गरुडदेवसेवम् ओम स्वनमयको सैपत्ताणम् सन्धिसायपायनम् द्रोम स्वामन्त्यनम् सवासिव दुर्यनानम् ओम सन्धिनमुकारो केलो सैमायदिपतानम् सोम्रीम नमो सौ सैपत्तानम् जय फ्रीम
वाणी मुड़ी चक्र पाल सुरी संबंध भाई फंडोला निज्जा मैं दुखवा वारे अविदलिय जाना ताखने न पावंती शंकुलम आस जना चरण ज्वलम चमचे जनम निराम कर पौण दो वण दो जलावली मिली फिर मगणे दज्जन दबद भय वो विफणा रो विफणा मेवणे जग गुणो कमजरम निभाव्य फैलत वणा भवम जे समृद्धि मणवाला को चरण भयम देफिन विलफंत भोग विफणम कुरिया अरुण नयन तरल जियलम उगब वंगम नवजले फतम फंदम विफणा व्यारम मन्नन्ति केल फरिफम दूर परिचुड विसमय फोगाम तू नाम कर पुरो सिद्धमंत गुरुआ नारायण और विफबिल तगरा बुलिन फदुल फदवि माफुम भय विरु नो पैरो लुरिया पे फतफुम अविल देवी फरा तू नाम प्रणाम वतवारम बहुगे विगत गम पत्ता ये चिमणम पज्जलिया नरनम दूर व्यारिय मोहमागम न कुलि फगाय वियले गैंद कुंबंद लाबोम पणय फवम वतिव न मणि माणिक पड़ी पड़ी मफम तू वेण परण दला यम गुदम बिना गुणंतिम सफी दवलतम तमुफलम जे कुलाल बुद्धि उचाम मोपिंग नयन ज्वलम सफरिलम नवजल हरावम भीम मांगेंदम अच्छा फन्नम पितेन विगणंतिम जे तुम चरण ज्वलम मुनि मैतुंगम समरिलम समरमिति गा विगाय भवत उदय कबंदे कुंत विन भिन्न करिगलम मुख फिकार बौरमिन निज्य दपु धरनीउ नरि नरिवा बडाज सुंदवलम पावंती भाव अपस्मिनम पाप जनतु भावेनम रोग जल जीर्ण विफर चुरारी महिंद भैरण भयम पाप जन नाम संगीत न बसुंदि सोभयम एवं महाभैरम पाप जनंद फंद मुवरम भवि जनंदैरम कल्याण भय जस रखफम कुसुम दुखुन रुख बिराफुम पंजाफ दुसु बंदे उ सके दैरणिफुम जो पड़े जोरि सुणी दानम कैण वाण तुम गफम पासो पाम बसमे उ फेर गुण चेष्टणम उवसगंते कमडा फुरमिन झाणा ओ जुन फचरियोम पुनकिन्न जुवहिं संदोजे उपाजनम ए असवजे तरफ करेम जो मंतो जो जाने सो जाए परम पैतम पुरम पाफम पाफ समणम जो कुणई संतुते हेना पुत्र सवाय भय नायसे उतफ दूरेणम विश्वातिशाय महिमा ज्वल तेजो विराजितम शांतिम शांतिकरम स्तोमी दुरित व्रत शांतयम षोडश विद्या देव्योपीम
दुरित व्रत श्याम चतुष्षष्टि परेश्वराम ब्रह्मादेव च सर्वेपि यम सेवन्ते हुरद्राम ओम ह्रीं श्रीं जय विजय ओम अजय प्रेरपी ओम तुष्टिं गुरु पुष्टिं गुरु शांति माजयम न क्वापि व्याधयो देहे न ज्वरेण भगनद्राम क्वास स्वासा दो नैव बाधन्ते शन्ति संशिवनात् यक्षपुत्र पिशाचाद्यां व्यंतरादुष्ट मुद्गलां सर्वे सम्यन्तु मे नाथं शान्तिनाथ सुसेवयां शान्तिनाथ सुसेवयां शान्तिनाथ सुसेवयां ओम ह्रीं श्रीं तं नमः पासनाहं ओम ह्रीं श्रीं धरणी नमः फयं दुविनाशं ओम ह्रीं श्रीं जसोबाबाण फयं ओम ह्रीं श्रीं नाफन्दी वद्दवा भवें ओम ह्रीं श्रीं पै समन्त्रणं मणिं ओम ह्रीं श्रीं न होय वाय नतम मादुकं ओम ह्रीं श्रीं नमं विवमन्तं सुमं ओम ह्रीं श्रीं बैनर्तित फन्दे होम ओम ह्रीं श्रीं जलजन भयत सपफियं ओम ह्रीं श्रीं चुरारे संभविकृपं ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासभुं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फौव न कयावे किं तफं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फ्रां श्रीं राम ह्रीं एलोकोटि बलोकोटि ओम ह्रीं श्रीं जो समरे पासनाहं ओम राम ह्रीं रूं रूं ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्र तं तै थ फिजय किपं ओम ह्रीं श्रीं येना समरे भगवन्तं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्र क्लीं क्लीं कलिगुंड स्वामिने स्वाहा। नख से लेकर शिखा तक अनेक रोग हमारे हर एक रोम में उपस्थित है। उन रोगों का निवारण करने के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए पूर्वाचार्यों ने एक महाप्रभावशाली महाशक्तिशाली स्तोत्र की रचना करी, जिसका नाम है जीना पंजर स्तोत्र। 24-24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना करने में आई, उनको वंदना करने में आया, उनके अभिभूत एकदम अलौकिक मंत्रों का संग्रह करने में आया है। तो इन सब का गुरु मुख से हम श्रवण करेंगे पाठ का, और हमारे जितने भी रोग हैं उन सब का नाश हो, ऐसी आशा के साथ शक्ति मुद्रा के द्वारा। क्योंकि वर्तमान में भी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाना बहुत आवश्यक है, एक इनर एनर्जी हमको प्राप्त होगी। तो शक्ति मुद्रा के द्वारा 24-24 तीर्थंकर परमात्मा के वर्तमान में जितने भी पुद्गल 14 राजलोक के अंदर उपस्थित है, उन सबको ग्रहण करके हमारे भीतर हम उतारेंगे और हमारी इनर एनर्जी को पावरफुल करेंगे। तो चलिए शक्ति मुद्रा, यानी कि मध्यमा उंगली एकदम ऊपर, बाकी सारी उंगली नीचे, शक्ति मुद्रा के द्वारा सभी परमात्मा की शक्तियों का अर्जन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरम अरभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं अरम सिद्धेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं अरम आचार्येभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं अरम उपाध्यायेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं अरम श्री गौतम सम्प्रमुख सर्वसाधुभ्यो नमो नमः। एष पंच नमस्कारम सर्व पापम क्षयंकरम मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम ओम ह्रीं श्रीं जय विजय अरम परमात्मने नमः कमल कमल प्रभो फुरिन्द्रोपाश्रिते येन पंजरम एक पुत्रो भवाफेन त्रिकालं यपश्यतिदं मनोभिलषितं सर्वं फलं सर्वविद्रुवम् भूषय्या ब्रह्मचर्यणां क्रोधलोभ विवर्जितं देवताग्रे पवित्रात्मा शर्मासुलभते बलम् अरन्तं स्थापयन् मूर्धनि सिद्धं चक्षुरटके आचार्यं श्रोतयोर्मध्ये उपाध्यायं तु नाफिके साधुवृन्दं मुखमुखव्याघ्रे मनःशुद्धिमिधाय च सूर्यचन्द्रनिरोधेन सुधिसर्वार्थसिद्धये दक्षिणे वदनद्वेषी वामपार्श्वे सुतोजनम् अङ्गसन्धिषु सर्वज्ञ परमेष्ठी शिवङ्करम् पूर्वाशां जनो रक्षेत आग्नेयम् दक्षिणाशां परम ब्रह्म नैऋतुं चतुर्कल्पित पश्चिमाशां जगन्नाथो वायव्यां परमेश्वरम् उत्तरां दुर्गपुत्र सर्वां निशानेऽपि निरञ्जनम् पातालं भगवान् नरन्नाकाशं पुरुषोत्तमम् रोहिणी ब्रह्मका देवी रक्षन्तु फकलं कुलम् ऋषभ मस्तकं रक्षेत अजितोभिलोचने संभव कर्णविकलयाभिनन्दनं सुनाफिके औष्ठो श्री सुमिति रक्षेत दन्तान् पद्म प्रभो विभुम् जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयम् तालुं चन्द्र प्रभाविदम् कंठं श्री सुविधि रक्षेत हृदयं श्री सीतलम् श्रेयां स्वभाव विगलम् वासुभुजकरद्वयम् अंगुलिनि विमलो रक्षेत श्री धर्मोऽप्युदरास्तिनि श्री शान्तिर्नाभि मण्डलम् श्री कुन्तुर्गुह्यकम् रक्षेत दरोलोम कटिधरम् मल्लीरुरुपृष्ठमंशम् जङ्घे च मुनिस्फुरतम् पादाङ्गुलिनवि रक्षेत श्री नवीक्षणद्वयम् श्री पार्श्वनाथ सर्वाङ्गम् वर्धमानस्थितात्मकम् पृथ्वी जल तेजस्कम् वायवाकाशम् मयम् जगत् रक्षेत अक्षेश पापेभ्यो जीवितरागो निरञ्जनम् राजद्वारे स्मशाने च संग्रामे शत्रु संकटे व्याघ्र चौराग्नि सर्पादि भूत प्रस्थ भयाकृते अकाले मरणे प्राप्ते दारिद्रापत् समाप्ते अपुत्रत्वे महादुखे मूर्खत्वे रोग पीडिते डाकिनी शाकिनी ग्रस्ते महागृह गणार्जिते नद्युतारे द्वावेशम्ये व्यफने चापि स्फुरेत
प्रातरेव समुत्थाय उपरि जिन पंजरम तस्य किंचित् भयं नास्ति लभते सुखमदं जिन पंजरनामिदं यः परितनुवासरं कमल प्रभ राजेन्द्र श्रियं सर्वते नरं प्रातः समुत्थाय पठत्कृतघ्नौ यः स्तोत्रमेतं जिन कुञ्जराख्यां आसा दय श्री कमल प्रभाख्यां लक्ष्मीं मनोवांचित गुणाय श्री रुद्रपल्ली अवर्णे गच्छे देव प्रभाचार्य पदभ्यां सहम वादिन्द्र चूड़ामणि देश जनो जिया गुरु श्री कमल प्रभाख्यां। वर्तमान में हर एक व्यक्ति का ग्रह और गृह दोनों में अशांति फैली हुई है। कभी उसे लगता है मेरा ग्रह खराब है और कभी लगता है गृह यानी कि घर जहां वो रहता है वहां पर कुछ न कुछ किया हुआ है। लेकिन अब जो महाप्रभावशाली महामांत्रिक स्तोत्र आने वाला है जिसका नाम है शांति धारा पाठ, अखंड शांति जिसके द्वारा हमें प्राप्त होती है और शांति की आग में से निकालकर शांति के बाद में जो बिठाता है ऐसा अत्यंत प्रभावशाली या महाप्रभावशाली महास्तोत्र है। इसका श्रवण गुरुमुख से करने से अनेक गुणा ज्यादा लाभ मिलता है और आज बेस्ता महीना यानी कि सुदी एकम साथ साथ में प्रभु महावीर स्वामी का जन्म वांचन भी आपके संग में होने वाला है। वर्तमान में तो हम उपस्थित नहीं होंगे लेकिन जहां पर भी है जैसे भी हो यही परिकल्पना करना प्रभु का जन्म वांचन हो रहा है और प्रभु की जन्म की बधाई होने वाली है। तो चलिए गुरुमुख से इस महाप्रभावशाली स्तोत्र का श्रवण करेंगे लेकिन इसकी मुद्रा करेंगे शंख मुद्रा। शंख जिससे एक शक्ति का प्रतीक है लक्ष्मी का भी प्रतीक है ऐसे शंख मुद्रा के द्वारा जिमने हाथ के अंदर उल्टे हाथ का अंगूठा रखेंगे और इस प्रकार से मुद्रा बनाएंगे। यह शंख मुद्रा संघ मुद्रा इसके द्वारा हम शांति धारा पाठ का श्रवण करेंगे। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरम मम मम हम सम तम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम डम डम निम निम क्षिम क्षिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम रीम क्रोम मम पापम खंडय खंडय पापम खंडय खंडय हन 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 दह 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 पच 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 पाचय 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 सिद्धिं कुरु कुरु सिद्धिं कुरु कुरु ओम नमो रते ओम नमो रते राम राम दम दम नीम नीम श्रीं श्रीं हम हम सम सम दम दम वम वम व व प प ह ह क्षम क्षम छिम छिम छुम छुम छेम छेम छौम छौम छम छम छ छ ओम ओम रम रम राम राम रीम 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 रूम 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 रैम 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 रौम 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 रम 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 अस्या उषा अस्या उषा नमः नमः मम पूजकस्य मम पूजकस्य रुद्धिं 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 गुरु गुरु स्वाहा गुरु गुरु ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते दह 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 मम मम श्रीरस्तु श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु मम मम कार्य कार्य सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम निवारणार्थम श्रीमद् भगवते श्रीमद् भगवते सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्य त्रैलोक्य नाथार्चित नाथार्चित पाद पद्म पाद पद्म अरहत अरहत परमेष्टि परमेष्टि जिनेन्द्र जिनेन्द्र देवादि देवाय देवादि देवाय देवादि देवाय देवादि देवाय देवादि देवाय देवादि देवाय नमो नमः नमो नमः मम मम श्री शांति देव पाद पद्म प्रसादात प्रसादात सद्धर्म सद्धर्म श्री श्री बल बल आयु आयु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु अभिवृद्धि रस्तु स्वस्ति रस्तु स्वस्ति रस्तु धन धान्य धन धान्य
कल्याण समृद्धि रस्तु समृद्धि रस्तु श्री शांतिनाथ श्री शांतिनाथ माम प्रति माम प्रति प्रसीदतु प्रसीदतु श्री वीतराग देवो श्री वीतराग देवो माम प्रति प्रसीदतु प्रसीदतु श्री जिनेन्द्र श्री जिनेन्द्र परम मांगल्य परम मांगल्य नामधेय नामधेय ममेह ममेह अमुत्र अमुत्र च सिद्धिं तनोतु च सिद्धिं तनोतु ओम नमो रते ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय चिंतामणि पार्श्वनाथाय शंखेश्वर पार्श्वनाथाय शंखेश्वर पार्श्वनाथाय जिराउला पार्श्वनाथाय जिराउला पार्श्वनाथाय लाकोड़ा पार्श्वनाथाय लाकोड़ा पार्श्वनाथाय अमीजरा पार्श्वनाथाय अमीजरा पार्श्वनाथाय विघ्नहरा पार्श्वनाथाय विघ्नहरा पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय तीर्थंकराय रत्नत्रय रूपाय रत्नत्रय रूपाय अनंत अनंत चतुष्टय चतुष्टय सहिताय सहिताय धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र फलमौली फलमौली मंडिताय मंडिताय समोवसरण समोवसरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्र इंद्र धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पूजित पाद पद्माय पाद पद्माय केवल ज्ञान केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय लक्ष्मी शोभिताय जिनराज जिनराज महादेव महादेव अष्टादश दोष अष्टादश दोष रहिताय रहिताय षट्चत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय गुण संयुक्ताय परम गुरु परम गुरु परमात्मने परमात्मने सिद्धाय सिद्धाय बुद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य त्रैलोक्य परमेश्वराय परमेश्वराय देवाय देवाय सर्वसत्व सर्वसत्व हितकराय हितकराय धर्मचक्राधीश्वराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या सर्वविद्या परमेश्वराय परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय त्रैलोक्य मोहनाय धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र पद्मावती पद्मावती सहिताय सहिताय अतुल बल अतुल बल वीर्य पराक्रमाय वीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य अनेक दैत्य दानव दानव कोटि कुकुट कोटि कुकुट दृष्ट दृष्ट पादपीठाय पादपीठाय ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद रुद्र नारद खेचर पूजिताय खेचर पूजिताय सर्व भव्य सर्व भव्य जनानंद कराय जनानंद कराय सर्व जीव सर्व जीव विघ्न निवारण विघ्न निवारण समर्थाय समर्थाय श्री पार्श्वनाथ श्री पार्श्वनाथ देवादि देवाय देवादि देवाय नमोस्तुते 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 श्री जिनराज श्री जिनराज पूजना प्रसादात पूजना प्रसादात मम मम सेवकस्य सेवकस्य सर्वदोष सर्वदोष रोगशोक रोगशोक भयपीडा भयपीडा विनाशनं कुरु कुरु विनाशनं कुरु कुरु सर्वशान्ति सर्वशान्ति तुष्टि 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 कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु शांति धारा का प्रभावशाली स्तोत्र चल रहा है। आप सभी को मंगलमय प्रेरणा है कि अब वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है संकल्प मुद्रा करने का। आपके जीवन में जो भी संकल्प हो, शुभ संकल्प हो, आइए शुभ संकल्प करना है। संकल्प की मुद्रा के साथ में ये शुभ संकल्प करना है। अंगूठा बंद, दोनों अंगूठा बिल्कुल बिल्कुल बराबर बिल्कुल बराबर बिल्कुल ठीक। पुण्यशालियों, संकल्प मुद्रा के साथ में आपके भीतर में जो भी संकल्प हो, उस संकल्प का आप भाव बनाइए। आपके उन संकल्पों की पूर्ति होने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, गुरुवर से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, जो भी ये श्रवण कर रहे हैं महामंगलकारी मांगलिक, इनके भाव परिपूर्ण बने, इनके संकल्प फलीभूत बने। लेकिन आप लोगों से एक आग्रह है कि आपके संकल्प शुभ होने चाहिए, आपके संकल्प अच्छे होने चाहिए। अगर आप नेगेटिव संकल्प करेंगे तो ये ठीक न होगा। चलिए हम पॉजिटिव भावों को परिपूर्ण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए संकल्प मुद्रा के साथ में बराबर, आइए संकल्प मुद्रा कर लीजिए बिल्कुल बराबर।
ओम नमः श्री शांति देवाय, ओम नमः श्री शांति देवाय, सर्वारिष्ट सर्वारिष्ट, शांति कराय शांति कराय, राम रीम राम रीम, रूम रेम रूम रेम, रोम र रोम र, असिया उषा असिया उषा, मम मम, सर्व सर्व, विघ्न शांति विघ्न शांति, गुरु 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 गुरु, सकल संघस्य सकल संघस्य, मम मम, पुष्टिं 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 पुष्टिं, गुरु गुरु स्वाहा गुरु गुरु स्वाहा, गुरु गुरु स्वाहा गुरु गुरु स्वाहा, मम शुभ संकल्प मम शुभ संकल्प, परिपूर्ण परिपूर्ण, भविष्यामि स्वाहा भविष्यामि स्वाहा, मनोरथं पूरय पूरय स्वाहा मनोरथं पूरय पूरय स्वाहा, श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रसादात् मम शुभान् तपान् चिन्तयन्ति, मम शुभ कर्म उपार्जितान् दुःखान् चिन्तयन्ति, मम पर दुष्ट जन कृत मंद तंत्र दृष्टि पुष्टि छल छिद्रादि दोषान् चिन्तयन्ति, मम अग्नि चौरा जल सर्प व्याधि चिन्तयन्ति, मारी कृत उपद्रवान् चिन्तयन्ति, डाकिनि शाकिनि भूत भैरवादि कृत उपद्रवान् चिन्तयन्ति, सर्व भैरव देवं दानव वीर नर नरसिंह योगिनि कृत विघ्नान् चिन्तयन्ति, भुवनवासि वेंतर ज्योतिषे देव देवी कृत दोषान् चिन्तयन्ति, अग्नि कुमार रुद्र कुमार सनत कुमार दीप कुमार भयान् चिन्तयन्ति, बिन्दी बिन्दी वात कुमार मेघ कुमार भयान् विघ्नान् चिन्तयन्ति, बिन्दी बिन्दी इन्द्रादिपाल देवता विघ्नान् चिन्तयन्ति, जय विजय अपराजित मानिभद्र पूर्णभद्र क्षेत्रपाल कृत विघ्नान् चिन्तयन्ति, राक्षसवेताल दैत्य दानव यक्षादि कृत दोषान् चिन्तयन्ति, नव गृह कृत ग्राम नगर पीडां चिन्तयन्ति, सर्वाष्ट कुल नाग जनित विष भयान् चिन्तयन्ति, सर्व ग्राम नगर देश रोगान् चिन्तयन्ति, सर्वस्थावरम जंगम वृश्चिकम दृष्टिविष जाति सर्पादि कृत दोषान् चिन्तयन्ति, सर्व सिंहाष्टापद व्याघ्र व्यालवनचर जीव भयान् चिन्तयन्ति, पर शत्रु कृतम मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहनम वशीकरणादि दोषान् चिन्तयन्ति, बिन्दि बिन्दि सर्व गौ वृषभादि तिरेक मारि चिन्तयन्ति, सर्व वृक्ष फल पुष्पलतां मारि चिन्तयन्ति, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते, चक्रेश्वरी चक्रेश्वरी, ज्वाला मालिनी, पद्मावती देवी पद्मावती देवी, अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने, आगच्छ 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 आगच्छ, एहि 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 एहि, तिष्ठ 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 तिष्ठ, बलिं गृहाण गृहाण बलिं गृहाण गृहाण, बलिं गृहाण गृहाण बलिं गृहाण गृहाण, बलिं गृहाण गृहाण बलिं गृहाण गृहाण, मम मम, धन धान्य धन धान्य, समृद्धिं कुरु कुरु समृद्धिं कुरु कुरु, सर्व भव्य सर्व भव्य, जीवानंदं कुरु कुरु जीवानंदं कुरु कुरु, सर्व देश सर्व देश, ग्राम पूरा ग्राम पूरा, मध्ये मध्ये, शुद्रोपद्रव शुद्रोपद्रव, सर्व दोष सर्व दोष, मृत्यु पीड़ा मृत्यु पीड़ा, विनाशनं कुरु कुरु विनाशनं कुरु कुरु, सर्व पर चक्र भय सर्व पर चक्र भय, निवारणं कुरु कुरु निवारणं कुरु कुरु, सर्व देश सर्व देश, ग्राम पूरा मध्ये ग्राम पूरा मध्ये, सुभिक्षं कुरु कुरु सुभिक्षं कुरु कुरु, सर्व विघ्न शांति सर्व विघ्न शांति, गुरु गुरु स्वाहा गुरु गुरु, तीर्थंकर महादेवः तीर्थंकर महादेवः, प्रियंतां 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 प्रियंतां, मम मम, पापानि पापानि, शम्यन्तु शम्यन्तु, घोरोपसर्गाः घोरोपसर्गाः, सर्वविघ्नाः सर्वविघ्नाः, शम्यन्तु शम्यन्तु, ॐ ॐ आं ॐ ॐ, ह्रीं ह्रीं ह्रीं, श्री रोहिण्यादि रोहिण्यादि, महादेव्य महादेव्य, अत्र आगच्छन्तु अत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु, सर्वदेवता सर्वदेवता, प्रियंतां प्रियंता प्रियंतां प्रियंता, ओम आं क्रों ओम आं क्रों, ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं, वर्धमान स्वामी वर्धमान स्वामी, गौतम स्वामी गौतम स्वामी, वर्धमान विद्या अधिष्ठायिका वर्धमान विद्या अधिष्ठायिका देवी, जया विजया जया विजया,
जयंता पराजिता, जयंता पराजिता, सूरी मंत्राधिष्ठायिका, सूरी मंत्राधिष्ठायिका, भगवती भगवती सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, त्रिभुवन स्वामिनी देवी, त्रिभुवन स्वामिनी देवी, श्रीदेवी श्रीदेवी, लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी, यक्षराजा यक्षराजा, गणपीठका गणपीठका, चतुष्षष्टी चतुष्षष्टी, सुरेन्द्रः सुरेन्द्रः, षोडश विद्या देवी षोडश विद्या देवी, चतुर्विंशति चतुर्विंशति, यक्षः यक्षः, चतुर्विंशति यक्षिण्या चतुर्विंशति यक्षिण्या, प्रियन्तां 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 प्रियन्तां, प्रियन्तां 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 प्रियन्तां, प्रसीदन्तु 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 प्रसीदन्तु, मम मम अज्ञानम् अज्ञानम् निवारणम् निवारणम्, सारस्वतम् सारस्वतम्, योगापहारिणी योगापहारिणी, विशापहारिणी विशापहारिणी, बन्धमोक्षिणी बन्धमोक्षिणी, श्रीलक्ष्मी संपादिनी श्रीलक्ष्मी संपादिनी, परमन्त्र परमन्त्र, विद्याच्छेदिनी विद्याच्छेदिनी, दोषनाशिनी दोषनाशिनी, शिवोपशमनी शिवोपशमनी, विद्यासिद्धिं कुर्वन्तु विद्यासिद्धिं कुर्वन्तु, मम मम बाहुबली विद्या बाहुबली विद्या, मम मम सौभाग्य विद्या सौभाग्य विद्या, जय विजयादि जय विजयादि, स्वप्न विद्या स्वप्न विद्या, गुरु 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 गुरु, विजया विजया, जया जया, जयंती जयंती, नंदा नंदा, भद्रा भद्रा, देव्य देव्य, सानिध्यं कुर्वन्तु सानिध्यं कुर्वन्तु, जैन शासन जैन शासन, प्रत्यनिक निवारणम प्रत्यनिक निवारणम, कुर्वन्तु 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 कुर्वन्तु, मम मम सर्व कार्य सिद्धिं सर्व कार्य सिद्धिं, मम मम सर्व मनोरथं पुराय पुराय सर्व मनोरथं पुराय पुराय, सर्व कार्य साधय साधय सर्व कार्य साधय साधय, कुर्वन्तु कुर्वन्तु स्वाहा कुर्वन्तु कुर्वन्तु पद्मावती देवी पद्मावती देवी, प्रियंतां 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 प्रियंतां, ओम आम क्रोम ओम आम क्रोम, श्रीम 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 श्रीम, श्री माणि भद्रा श्री माणि भद्रा, पूर्ण भद्र पूर्ण भद्र, नाकोडा भैरव नाकोडा भैरव, घंटा कर्ण महावीर घंटा कर्ण महावीर, श्री भोमियाजी महाराज श्री भोमियाजी महाराज, यक्ष कुमार देवा यक्ष कुमार देवा, प्रियंतां 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 प्रियंतां, सर्वजिन शासन सर्वजिन शासन, रक्षक देवा रक्षक देवा, प्रियंतां 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 प्रियंतां, आदित्य श्री आदित्य, सोम सोम, मंगल मंगल, बुध बुध, बृहस्पति बृहस्पति, शुक्र शुक्र, शनि शनि, राहु राहु, केतव केतव, सर्वे नवग्रहा सर्वे नवग्रहा, प्रियंतां 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 प्रियंतां, प्रियंतां 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 प्रियंतां, प्रसीदन्तु 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 प्रसीदन्तु, देशस्य देशस्य, राष्ट्रस्य राष्ट्रस्य, पुरस्य पुरस्य, राज्ञः राज्ञः, करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं, भगवान् जिनेन्द्र भगवान् जिनेन्द्र, यत् सुकांक्षेषु लोकेषु व्याधि व्यसनावर्जितम् अभयं क्षेममारोप्य स्वस्थिरस्तु च मे सदा, यदर्थं क्रियते कर्म स्वप्रीति नित्यमुत्तमम् शान्तिकं पोषितं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदं सर्वकार्येषु सिद्धिदं सर्वकार्येषु सिद्धिदं, ॐ नमः श्री शान्ति देवाय सर्वार्थ शान्ति करायम् राम रीम रूम रेम रोम राम अस्या उसायम मम सर्व विघ्न शांतिम गुरु गुरु मम तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु, ओम नमो ते भगवते सुरते जिनेश्वरायम ओम रीम क्रोम नमो ओम नमो ते भगवते सुरते चिंतामणि पारसादायम ममो परि परदुष्ट जन कृत मंत्र तंत्र दृष्टि पुष्टि क्षर चिता दोषां चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी फट, ओम रीम श्रीम क्लीम लोम ब्लूम एम अरम, ओम नमो भगवते राम रीम रूम रेम रोम राम, ओम रीम बरे सुबरे विजय जयंती अपराजित भंगर जुर कवांचित पुरोगम विघ्न विनाशक अशुभ तत्व उपद्रवम निवारक श्री विमलेश्वर चके फरियादी विश्वव्यापी सर्वजन शास्त्र रक्षकम
अधिष्ठाय देव देवी सहिताम परार्थ परायणाम गुणानुरागिनाम शरणाशया भवदव तापसताम अन्य देवी देवा पीर पैगंबराम वीर नर नारसिंह योगा योग माया देवकृत सानिध्यम परम आराध्य पूज्य पाद श्री पंच परमेश भगवंत श्री नमस्कार महामंत्र श्री श्री भगवंत श्री चतुर्शति तीर्थंकर देवादिदेवाम श्री विष व्यर्मान भगवंत श्री अष्टोत्तर सहस्रपार श्री जिनेन्द्र श्री पुण्य स्वामी गौतम स्वामी गण भगवंत परम शुद्ध सिद्ध तत्व स्वरूप परमात्मा मयि सदा सुप्रसन्ना प्रियंताम प्रियंताम प्रसिद्धो प्रसिद्धो प्रसादम सुद्यां कुर्वन्तु अनुग्रह प्राभवन्तु मम परमात्मीय धर्म प्रिय जनस्य चतुर्विध संग्रहस्य विशेषं दुर्गणस्य पापानि साम्यन्तु गौरव सर्गा सर्वविघ्ना विनाशयन्तु तेषां सर्वेषां सर्वदोष रोग शोक भय पीडा उपद्रवादि सर्व दुःख दायित्व दुर्भाग्य दोषां दहदा नाशय नाशय सर्व शांतिं समाधिं समुद्धिं विमुद्धिं सद्बुद्धिं सत्कार्य सिद्धिं संपादयं सर्वांगं सुरक्षा कवचं गुरुगुरुं सर्व समितिं पुरय पुरय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं पंच परमेश्वर परमात्मा नमः स्वाहा जय हो सवन सासनं परम संभूये सुनो भवन्तु जीवा सुनो भवन्तु जीवा सुनो भवन्तु जीवा। पुण्यशालियों मंगलिक की परम पवित्र साधना अनवरत जारी है। परुषणा महापर्व की मंगल में आराधना चल रही है। कल हम सभी ने प्रभु महावीर स्वामी का जन्म वांचन किया था। कल हमने पाली जी झुलाए थे और आज अद्भुत तरीके से महामांगलिक का हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। पुण्यशालियों क्षमापना का पर्व आया है। क्षमा की अद्भुत वर्ष में एक बार आने वाली ये अजोड़ क्षमापना का महापर्व आया है। संवत्सरी आने वाली है, बहुत कम दिन बचे हैं और संवत्सरी आने वाली है। शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि संवत्सरी के दिन तो क्षमापना करनी ही करनी है, लेकिन हमको क्या करना है, पुण्यशालियों क्या करना है, उसके पहले क्षमा मांगनी। ये क्षमापना का पर्व है। साल भर में हमारे द्वारा जो कुछ भी दुख हुआ हो, मंदुख हुआ हो, गलती हुई हो, किसी के भी मन को हम लोगों ने दुखाया हो, दुभाया हो, किसी को परेशान किया हो, अंतकरण पूर्वक हम उन्हें क्षमा करें। अगर किसी ने हमसे क्षमा मांगी है तो हम उदारता के साथ हम उसको क्षमा करें, और हमारे द्वारा अगर किसी की भी गलती हुई हो तो हम उन क्षमापना का मन से, वचन से, काया से पालन करें। इस जगत के अंदर जितने भी जीव हैं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कोई व्यक्ति उसके मन से सोच रहा हो तो मैं उसका दुश्मन हूं, ये उसकी विचारधारा है। मैं तो मैत्री भाव रखने वाला व्यक्ति हूं। खामे में सब जीवे सबे जीवा कमंतु में मित्र में सब हुए सुवेरम मच्छम के नहीं। पुण्यशालियों क्षमा एक मंत्र है, क्षमा एक दिव्य शक्ति है। और आज पर्युषण महापर्व के नूतन माह में प्रथम दिन में आज पर्युषण के पूर्व में हम सभी संवत्सर के पूर्व में हम सभी को क्षमापना करनी है। पुण्यशालियों मन से, वचन से, काया से की गई क्षमापना ये कल्याण का कारण बनती है। और अगर हम लोगों ने क्षमापना नहीं करी तो हम आराधक नहीं बनते हैं, हम विराधक बनते हैं। पुण्यशालियों इतनी आराधना करने के बाद, इतने उपवास करने के बाद, इतनी साधना करने के बाद अगर आपके मन में किसी के प्रति जय रहे, अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है तो आपकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती है। आपकी साधना तब सफल हो सकती है तब जब आप अंतकरण से सारे जीवों को माफ कर दें और सारी दुनिया से क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने वाला वो आराधक बनता है और क्षमा नहीं मांगने वाला व्यक्ति वो विराधक बनता है।
कल्प सूत्र में, वारसा सूत्र में अंतिम पंक्ति में बड़ी प्यारी बात करी, जो जो खमाता है वो आराधक होता है और जो खमाता नहीं है वो विराधक बनता है। क्षमापना के पवन पावन पर्व पर हम सभी की क्षमा मांगे और सभी को क्षमा करें। और अब एक अद्भुत स्तोत्र होने जा रहा है और वो है रोगों को शांत करने वाला। अगर आपको इस कोरोना से बड़ी पीड़ा होती हो, कोरोना से अगर डर लग रहा हो, आली तना में अभी तक तो प्रभु ने लाज रखी है, अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई ना भैया? नहीं। अरे बोलो तो सही जरा, आपको नहीं, तो कोई समस्या अभी तक तो नहीं आई ना? नहीं। प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, शत्रुंजय धाम की कृपा, शत्रुंजय प्रभु की कृपा, दादा आदिनाथ भगवान सिद्धाचल का जो राजा है उसकी कृपा से यहाँ अभी तक तो सब कुछ हेम क्षेम कुशल चल रहा है। प्रार्थना करते हैं इस स्तोत्र के माध्यम से समूचे पाली तनाई नहीं, समूचे विश्व के अंदर सारे के सारे धर्म प्रेमी जनताओं को एकदम सुख समृद्धि और शांति मिले। और अब कौन सी मुद्रा भाई? अस्त्र मुद्रा, दो मुद्रा, दो उंगलियां, बिल्कुल बिल्कुल राइट, करेक्ट। बेन जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया करा, बिल्कुल बराबर, कमाल, खूब सुंदर। एक ही बार में किसी ने भी बिल्कुल बराबर कर लिया, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता। रोग शोकादिभिर् दोषैर् रजिताय जितारे नमः श्री शांताय तस्मै वीतानंद शांताय श्री शांति जन भक्ताय भव्याय सुख संबदम श्री शांति देवता देयाम दशांति दशांति मपनीयताम अंबानी दडिंबामे सिद्ध बुद्ध समन्विताम सीते सीता गौरी वितरतु समितम धराधिपति पत्नियाम देवी पद्मावती सदाम शुद्रो पद्मवत सामाम पातु कुलत्फणावलिम चंच चक्रधराचारुम प्रवाल दरदिति चिरम चक्रेश्वरी देवी नंदता देवता चमम खड़क केटक कोदंड बाण पाणी स्थितुति तुरंग गमना चुप्ता कल्याणानि करोतु मे मथुरायाम सुपार्श्वश्रीम श्री सुपार्श्वस्तुभरक्षिकाम श्री कुबेरा नरारूढाम सुताम गावतु उभयात् ब्रह्म शांतिम समंपायात् अपायात् वीर सेवकम श्रीमत् सत्यपुरे सत्याम येन कीर्ति कृतानि जाम श्री शक्र प्रमुखाय यक्षाम जीन शासन संस्थिताम देव देव अवस्थितन्येपि संगम रक्षन्तु उपायतम भक्तम रक्षन्तु उपायतम विश्वम रक्षन्तु उपायतम श्रीमद् विमान मारुराम यक्षमातंग संगताम सामाम सिद्धायिका पातु चक्रचापे सुधारिणी ओम सम 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 रोग शोकादि वारकाय शांतिम तुष्टि प्रशांतिदायकाय श्री शांति जिनाय नमः चिनास्तता सावधयश्चतुर्धा सत्केवल ज्ञान घनाधिधा च विधामन पर्यवसुद्र बोधा महाशय सन्तु सतां शिवाय महाशय सन्तु सतां शिवाय सुकोष्ठ सद्बीज फला द्विधा पूर्वधराधिपाश्च एकादशाङ्गाष्ट निमित्त विज्ञात् महर्षय सन्तु सतां शिवाय महर्षय सन्तु सतां शिवाय संस्पर्शनं संश्रवणं समन्तात् दास्वादनघ्राणविरोदनानि संस्रोतयाभिरन्ते महर्षय सन्तु सतां शिवाय महर्षय सन्तु सतां शिवाय आवर्ष विप्रं नरखेलजल्ल सर्वोषधि दृष्टिवयो विशस्य आशीर्विशाघोर श्रीचारणम्
सुख और दुख इसके अंदर निमित्त कौन है? इसके अंदर निमित्त है आपका मन। अगर आपका मन सही है तो आपका जीवन भी सही है, और अगर आपका मन सही नहीं है तो शायद आपके मन में भी प्रॉब्लम होगी। पुण्यशालियों, मन को सही रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए चंद्र प्रभु स्वामी सुविधनाथ परमात्मा, ये हमारे मन के स्वामी, चंद्र ग्रह के स्वामी, ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के मुताबिक जिस व्यक्ति का चंद्र नगीन भाई चंचल होता है, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कोई बड़ा अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, अस्थिर दिमाग का व्यक्ति रहता है। उस अस्थिर दिमाग के व्यक्ति को स्थिर करने के लिए ये मंत्र शास्त्र का अंदर बहुत अद्भुत बात बताई, चंद्र प्रभु स्वामी प्रभु का स्तोत्र है और इसकी मुद्रा है वज्र मुद्रा। आपके मन को वज्र की तरह मजबूत करना है। ढीला ढाला मन, करूं या न करूं, करूं या न करूं वाला मन, और निश्चयात्मक मन थोड़ी थोड़ी देर के अंदर चंचलित होने वाला मन, उन सभी से मुक्त करने का अद्भुत प्रयास। आइए वज्र मुद्रा के साथ में हम श्रवण करते हैं। ओम चंद्र प्रभा प्रभादीशम चंद्रशेखर चंद्रभूम चंद्र लक्ष्मांग चंद्रांगम चंद्र बीजे। ओम रीम श्रीम अरम श्री चंद्रभुवम रीम श्रीम गुरु गुरु स्वाहाम मैत्वा त्रिफंद्यम जापो सर्वादि व्याधि नाशनम सुधा सुरेन्द्र मैत्रम श्री पांडव अनुपस्थितम श्री चंद्र भवतीशम श्रीयम चंद्रोज्वलम गुरु श्री चंद्र विजय स्मृता सद्यम फलामताम सर्वादिव्याधि विध्वंस कारिणीमे वरप्रदाम। ओम रीम श्रीम अरम चंद्रभुवम रीम श्रीम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ज्वालामालिनी श्याम क्षीम क्षुम क्षेम क्षम चम क्षम राम तुष्टक्षम रव्युम नापयति हुम हट दे दे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुरभद्राद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओम नमो जीराणा ओम नमो जीराणा सन्नाना सराना मंगलाना मंगलाना लोकुत्तमाना लोकुत्तमाना राम रीम राम रीम रोम रैं रोम रैं रोम रा रोम रा असिया ओसा असिया मंगलम सर्वे विष्णु
श्री जगत निदानंद मंगलाय भवन्तु मे श्री पुंडरीकेन्द्र बुद्धि प्रमुख गणधारिणां श्रुत केवली नन्नपि मंगलानि दिशन्तु मे ब्राह्मी चंद्र बालाद्याम सत्य महत्राम अखंड शील अखंड शील लीलाड्याम यच्छन्तु मम मंगलम चक्रेश्वरी सिद्धायिका मुख्य शासन देवता सम्यक् दृष्टि विनहरा रचयन्तु मम जय प्रियम कपर्दी मातंग मुख्या यक्षा विख्यात विक्रमा जैन विघ्नहरा नित्यम देय सोमगणि मे यो मंगलाश्रमितम प्रदुरजिते प्रात नरस्व कृत भावित चित्तवृत्ति सौभाग्य भाग्यम करितोत्तम सर्व विघ्नो नित्यम स्वमंगलम मलम लभते जगत्याम पुण्यशालियो उल्टा नवकार मंत्र आपको श्रवण करना है। सीधा नवकार मंत्र आप रोज गिनते कितनी श्रद्धा से गिनते हो तो मुझे नहीं मालूम पर गिनते जरूर। लेकिन श्रद्धा अगर आप में है, बल अगर आप में है, विश्वास अगर आप में है तो इस दुनिया में प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, मंत्र का जाप कभी निष्फल नहीं जाता और गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता, प्रभु के दर्शन परमात्मा की पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। आइए इस उल्टे नवकार मंत्र को हम श्रवण करते हैं। इस उल्टे नवकार मंत्र के श्रवण करने के साथ में हमारे जितने भी उल्टे कार्य होते हैं सब उल्टे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये कार्य होने ही वाला हो और न होता हो, कोर्ट कचहरी से लेकर जमीन की वाद विवाद संपत्ति, कोरोना के चलते सारे व्यापार ठप पड़ गए हैं, कोरोना के चलते सारी दुकानदारी डॉक्टरों को हॉस्पिटलों को छोड़ करके सब ठंडी हो चुकी है। डॉक्टरों को और हॉस्पिटल को तो पता नहीं, वो तो उनका वो जाने पर मुझे उनकी पता नहीं, लेकिन बाकी सब व्यक्ति घर में बैठे हैं, बड़े दुखी है, बड़े परेशान हैं। उनकी शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और ये उल्टा नौका मंत्र सुना रहे हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ आप उल्टा मंत्र नौका मंत्र श्रवण कीजिए। मुद्रा जी आज मुक्ता सुक्ति मुद्रा सी पाकाल के अंदर दोनों हाथ को जोड़े थोड़ा बीच में गैप करिए। जय श्री मुद्रा जय विराय हम बोलते हैं। मुक्ता सुक्ति मुद्रा के अंदर इसका श्रवण करेंगे। लांगममेव मण्डपम् सिमेव सज्जनोलगमम् णोष्णाम्बभवौ सर्वतगमनुजवम् स्वयम् णमुसावौ सर्वणानम् याजगमणम् णम्यारियमणम् णन्दास्यमणम् णन्ताहमरियमणम् लंगममेव मण्डपम् सिमेव सज्जनोलगमम् णोष्णाम्बभवौ सर्वतगमनुजवम् स्वयम् णमुसावौ सर्वणानम् णम्याजगमणम् णम्यारियमणम् णन्दास्यमणम् णन्ताहमरियमणम् लंगममेव मण्डपम् सिमेव सज्जनोलगमम् णोष्णाम्बभवौ सर्वतगमनुजवम् स्वयम् लंगममेव मण्डपम् सिमेव सज्जनोलगमम् णोष्णाम्बभवौ सर्वतगमनुजवम् स्वयम् णमुसावौ सर्वणानम् णम्याजगमणम् णम्यारियमणम् णन्दास्यमणम् णन्ताहमरियमणम् लंगममेव मण्डपम् सिमेव सज्जनोलगमम् णोष्णाम्बभवौ सर्वतगमनुजवम् स्वयम् णमुसावौ सर्वणानम् णम्याजगमणम् णम्यारियमणम् णन्दास्यमणम् णन्ताहमरियमणम् लंगममेव मण्डपम् सिमेव सज्जनोलगमम् णोष्णाम्बभवौ सर्वतगमनुजवम् स्वयम् णमुसावौ सर्वणानम् णम्याजगमणम् णम्यारियमणम् णन्दास्यमणम् णन्ताहमरियमणम् लंगममेव मण्डपम् लंगममेव मण्डपम् सिमेव सज्जनोलगमम् अंतिम चरण है। केवल पांच सात दस मिनट की प्रक्रिया बाकी है।
पर्युषणा महापर्व। और उस पर्युषणा महापर्व में आज की आई हुई हमारी महामांगलिक, एक छोटी सी घटना है। एक गांव का ग्वाला, छोटा सा बच्चा, भेड़ बकरियों को चराने के लिए घाटी की ओर निकला। बहुत दिनों के बाद में वो छोटा बालक, कभी स्कूल में पढ़ा नहीं, कभी उसको कुछ ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं था, छोटी सी छोटी क्लास थी, गांव के अंदर था। गांव के पास में एक बड़ा सा टेकरा था, उस टेकरे ऊपर बहुत प्राचीन मंदिर था। वहां पर अक्सर लोग आया जाया करते थे शहरों से। रविवार का दिन था, सुबह सुबह वह बच्चा अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए विजय भाई गया। एबीसीडी आती थी, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता था। जी गांव के अंदर पढ़ाई के नाम पर विशेष कुछ होता नहीं था। वो बच्चा वहां पर गया, उसने देखा कि मंदिरों में सुबह सुबह बहुत लंबी भीड़ लगी है। वैसे बच्चा कभी इधर भेड़ बकरियों को चराने के लिए आया नहीं था, आज अनायास उधर भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया। मंदिर की तरफ शोरगुल देखा, भीड़ को देखा, बच्चे के मन में लगा कि चलो आज इधर मैं भी जाता हूं, मेरा गांव थोड़ा सा दूर है, ये मंदिर थोड़ा दूर है, कभी आया नहीं, देखूं ये भीड़ कर क्या रही है, यहां पर भीड़ लगी किस बात की है। बच्चा भेड़ बकरियों को छोड़ करके मंदिर की ओर निकला, मंदिर के दर्शन की ओर निकला, मंदिर की ओर जा रहा था। कुछ भीड़ अंदर आ रही थी, कुछ भीड़ बाहर जा रही थी। जिन लोगों ने दर्शन कर लिए थे वो बाहर आ गए थे, जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए थे वो मंदिर की लाइन में लगे हुए थे। बच्चा भी लगा, बच्चा भी दर्शन के लिए चंद्रकांत भाई लाइन में लगा है। धीरे 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 भीड़ आगे बढ़ती जा रही है, अंदर की ओर रास्ता मिलता जा रहा है। वो बच्चा वहां पर गया, देखा कि एक मूर्ति सामने है, सब लोग उनके साथ में हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे की ओर एक अंकल खड़े थे, अंकल के शर्ट को खींच करके बोला कि भैया भैया इतना सा बताइए, आप सब लोग इस मूर्ति के सामने क्या कर रहे हैं। लेकिन बच्चा तो कभी इस मंदिर में आया नहीं। बोले कि अंकल इस मंदिर में तो क्या, मैं कभी किसी मंदिर में ही नहीं गया हूं, मैंने तो आज पहली बार जिंदगी में कोई मंदिर को देखा है, आप लोग यहां पर कर क्या रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये हमारे भगवान है, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? प्रार्थना कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो जीवन में दुख दर्द है, जीवन में जो अशांतियां हैं, जीवन में जो कार्य हमारे रुके हुए हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमारी बातों को सुनिए, हमारी विनती को सुनिए, आप परमेश्वर है, हमारे मालिक है, तो हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारी छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारी बात को आप स्वीकार लीजिए और हमारे दुख दर्द को दूर कर दीजिए। ऐसी में भगवान से यहां पर क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। तो बच्चे ने सोचा कि मुझे तो कोई प्रार्थना आती ही नहीं है, बस मेरा तो एक ही काम है, सुबह उठना, भेड़ बकरियों को चराना, उनको शाम तक खिलाना, वापस घर पे ले जा करके बांध देना, खाना खाके सो जाना, अब मैं क्या प्रार्थना करूं। उसके मन में एक युक्ति सूझी कि रोज स्कूल जाता था तो वहां पर मास्टर जी जोर जोर से ए बी सी डी याद करवाते थे, एक काम करता हूं भगवान के पास बैठ जाता हूं, बैठ करके हाथ जोड़ करके एबीसीडी बोल देता हूं। तो बच्चा बैठा, बच्चा निखालसता के साथ में निर्दोष एकदम निसम्य होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगा और बैठ करके बोलने लगा ए बी सी डी, जोर जोर से बोला। कुछ शहर के पढ़े लिखे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, उसने सोचा छोटा बच्चा है, कपड़े गंदे हैं, इसको कुछ आ नहीं रहा, चलो टोक देते हैं। एक अच्छा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, बेटा रुक जा, भगवान कोई मास्टर नहीं है, ये तो परमात्मा है, इनके सामने एबीसीडी नहीं बोलते हैं और तेरी एबीसीडी परमात्मा को पता भी नहीं चलेगी। बच्चे ने जो जवाब दिया ना चंद्रकांत भाई, सुनने जैसा है। बच्चे ने बोला कि माना ये सामने भगवान है, इनको
मुझे क्या प्रार्थना करनी है ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन स्कूल में टीचर इतना कहते थे कि ए से लेकर के जेड तक के ही शब्दों, इन सभी अल्फाबेट से मिलकर के वाक्य और शब्द बनाए जाते हैं। मैं एबीसीडी सुना देता हूँ, भगवान को जो पसंद होगा, जैसा पसंद होगा, उस प्रकार के वाक्य बना लेंगे, उस प्रकार की प्रार्थना वो स्वयं स्वीकार कर लेंगे। कई सारे लोगों का प्रश्न आता है कि महाराज साहब हम मांगलिक श्रवण करते हैं, गुरु महाराज मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है कि इन मंत्रोच्चार में क्या होता है, इन मंत्रोच्चार का क्या होता है। बस उस निर्दोष बालक की तरह, उस छोटे बच्चे की तरह इतना सा समझ लो, इन मंत्रोच्चारों का प्रभाव मेरे ऊपर अवश्य होगा, मुझे भाव रखना है, मुझे इनका मतलब पता चले या ना चले, इनका अर्थ मुझे आए या ना आए, मुझे प्रार्थना करना जानता या नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे मन में यदि शुभ भाव रहेंगे, मेरे मन में अच्छे प्रकार के विचार रहेंगे, तो अवश्य इन मंत्रों का प्रभाव ये रहेगा कि मैं जो मन से चाहता हूं, मैं जो मेरे विचारों से चाहता हूं, मैं मेरे असल में जो जीवन में प्राप्त करना चाहता हूं, ये मंत्र, ये गुरु भगवान का आशीर्वाद और वो परम तत्व की शक्ति अवश्य मुझे वो सब प्राप्त करवाने की ताकत रखते हैं। पर शर्त सिर्फ एक है कि उस बच्चे की निर्दोषता चाहिए, उस बच्चे की निखालसता चाहिए और मन में वो भाव चाहिए कि अवश्य इनका प्रभाव मेरे ऊपर हो। तो चलिए, मंत्रोच्चार तो अपना काम कर रहे हैं, बस मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे शब्दों में थोड़ी सी कमी पड़ रही है, उन शब्दों की शक्तियों को बढ़ाता हूं, हृदय के भावों को बढ़ाता हूं। पाली तना का यह मंगलमय चातुर्मास बहुत ही आराधनामय चल रहा है। गुरुदेव निरंतर अपनी जाप साधना में समस्त व्यक्ति तो लगे हुए हैं, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि ये जो रोग हमारे जहन में घुस चुका है, हमारे दिलो दिमाग में जो घुस चुका है, उसको निकालने का प्रयत्न करें, लेकिन ऐसा का ऐसा एक प्रयत्न इस पालीतना तीर्थ के अंदर अपनी जाप साधना के कक्ष में अपने समस्त भक्तों के दुख दर्द को दूर करने के लिए उस नवरत्न गुरु का आशीर्वाद लेकर के निरंतर सुबह उठ करके जाप की माला को गिन करके परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा अपनी साधना में लगे हुए हैं, उन्हीं साधना को आज संयुक्त करके हमें उन दुख दर्दों से दूर करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। तो बस पुण्यशालियों, बाकी के हम अमृत वचनों को श्रवण करते हैं, उनकी साधना में जो शक्तियां उन्होंने प्राप्त की है, उन शक्तियों को उनके वचनों के माध्यम से हमारे कानों तक और कानों से हमारे हृदय तक वो प्रवाहित करने के लिए बैठे हैं। तो चलिए, इस पर्युषणा महापर्व के अंदर सर्व जीवों को खमाने के साथ में विश्व की शांति का एकता सूत्र जिन परमात्मा ने दिया है, इससे श्रमण भगवान महावीर के सूत्रों को लेकर के क्षमा याचना के साथ में खामे में सर्व जीव के साथ में चलिए, अब हम आगे के मंगलमय स्तोत्र पाठों का श्रवण करते हैं। पुण्यशालियों, पर्युषण महापर्व की इस पवित्र महामंगलकारी महामंगलिक के अंतर्गत अभी वर्तमान का पालीतना का चतुर्मास बहुत आराधना साधना भक्ति वाला चल रहा है, भीड़ नहीं है, ज्यादा धमाके भी नहीं है, बैंड बाजे की आवाज भी नहीं है, लेकिन आत्मलक्षी चतुर्मास, एकदम आंतरिक साधना वाला चतुर्मास, आत्म साक्षात्कार करने वाला चतुर्मास चल रहा है। जो व्यक्ति हमेशा बाहर भटकता था, उसको पहली बार अपने भीतर अपने आत्मा से साक्षात्कार करने का एक अवसर मिला। पुण्यशालियों, गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज जी के समस्त गुरु भगवंतों के चातुर्मास भिन्न भिन्न स्थानों पर है। आचार्य भगवंत मृदुरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब बदनावर में विराजमान है, उपाध्याय वैराग्य रत्न सागर जी महाराज भावनगर में विराजमान है, आगम रत्न सागर जी महाराज शंखेश्वर तीर्थ में विराजमान है, मुनि रत्न सागर जी महाराज साहब आगम मंदिर पालीतना में विराजमान है, आदर्श रत्न गणिवरे आदिश्वर रत्न सागर जी महाराज साहब भोपाल में विराजमान है, मुनिराज श्री नवीरत्न सागर जी महाराज साहब नीमच में विराजमान है,
और इस प्रकार से अद्भुत आराधना साधना चल रही। एक और प्रसन्नता की बात है कि अभी पालीतना के अंदर आत्म साधना के क्षेत्र में करीबन 13 साधु साध्वी जी भगवान योगोध्वन की कठिनतम साधना कर रहे हैं और उत्तराध्ययन सूत्र, आचार्यांग सूत्र, महानिश्चित सूत्र की भिन्न भिन्न योगों की योगध्वन की साधना अभूतपूर्व रूप से चल रही है। जम्बू द्वीप के अंदर हो रही इस योगध्वन की साधना के अंदर अभूतपूर्व माहौल सर्जित बना है और खूब अच्छे से सुंदरतम आराधना चल रही है। मेरी आराधना भी बहुत प्रसन्नता के साथ में, बहुत आराधना साधना के साथ में, आनंद के साथ में चल रही है। सोचा नहीं था इतना आनंद वाला भी चतुर्मास होता है, एकांत इतना अच्छा होता है, ये भी कभी कभी मालूम पड़ता है, क्योंकि मुझे तो एकांत क्या होता है ये मालूम ही नहीं थी, अकेलापन क्या होता है ये भी बहुत कम मालूम पड़ती है। भीड़ भाड़ के अंदर मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन इस बार एकांत क्या होता है और एकांत का आनंद क्या होता है ये पता चल रहा है। पुण्यशालियों, अद्भुत आराधना साधना का अनुभव होने जा रहा है। संवत्सरी के पूर्व में हम सभी सकल श्री संघ की ओर से को हम चंद्र मानते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमापना मांगते हैं। जो भी इस महामंगलिक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उन समस्त महामंगलिक प्रेमी और महामंगलिक को श्रवण करने वाले हमारे धर्म प्रेमी श्रावकों को भी क्षमा मांगते हैं। मिच्छामि कृतम्, मिच्छामि कृतम्, मिच्छामि कृतम्। और अब एक अद्भुत स्तोत्र पाठ होने जा रहा है। आपके परिवार में कुछ परेशानियां हो, कुछ तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पूर्वज, आपके कुल के रक्षक, कुल देवता, कहीं ना कहीं हमने उनका अनादर किया हो सकता है। चलिए उनको हम स्मरण करते हैं, हमारी आराधना, हमारी साधना के अंदर वो सहायता प्रदान करें, इसी प्रार्थना करते हैं। देवताओं को और कुछ नहीं चाहिए, केवल मनोभार चाहिए, केवल नाम स्मरण चाहिए, केवल थोड़ा सा रिगार्ड्स रिस्पेक्ट चाहिए। आपके कुल देवता, आपके परिवार के पूर्वज, आपके गोत्र देवता अथवा आपके जो वंश के अंदर जो आपके पुरखे हैं उनमें से कोई आत्मा देवगति में गई हो और वो आपसे प्रेम करती हो या आपसे नाराज हो, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ये बहुत प्रभावशाली, महान, चमत्कारी, प्राचीन स्तोत्र पाठ है। चलिए हम श्रवण करते हैं। ये अद्भुत महास्तोत्र क्यों मुद्गर मुद्रा के द्वारा हम श्रवण करेंगे। मुद्गर यानी कि एकदम भारी, भारी से भारी संकट को दूर करने वाला यह स्तोत्र और स्तोत्र की मुद्रा है मुद्गर मुद्रा। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस प्रकार से रखेंगे, मुद्गर मुद्रा के माध्यम से इसका श्रवण करेंगे और जहां जहां पर भी हमें बोलने का आएगा वहां वहां पर हम बोलेंगे विषय। यम 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 यक्षराजं दशदिशि धगितं भूमिकं पायमानं सं सं संहार मूर्ति शिर मुकुट जटा शेखरं चंद्र बिंबं दं 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 दीर्घकाय विकृत नख मुखं मूर्धरो ज्वालितं उग्रतरं
क्षेत्रपालाय कुलदेवताय नमः। पुण्यशाली हो उल्टा नौका अंदर गिना था, हम सबको मिलकर के साथ में बोलना है, बाद में चाहिए सभी को मिलकर के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में बहुत प्यार से बड़े दुलार से। इसमें कोई मुद्रा नहीं है, लेकिन इसमें एक ही मुद्रा है, नृत्य मुद्रा है। हंसते हंसते नाचते गाते कूदते एकदम प्रसन्नता के साथ में चलिए चलिए नौकार मंत्र का अब हम शुरुआत करते हैं। आप सब तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में नमो हरि हंतानं नमो सीतानं नमो आयरियानं नमो Namo
शत्रुंजय नवरत्न चातुर्मास समिति के अंतर्गत एक भव्य चातुर्मास की परिकल्पना चल रही है और उसी के अंतर्गत साधु साधु जी भगवंतों का एक अद्भुत भैयावच का रसोड़ा चालू है। बहुत अच्छी संख्या में जम्बूद्वीप में चलने वाले इस रसोड़े में साधु साधु जी भगवंत पधार करके तीनों टाइम लाभ देते हैं। इस रसोड़े के अंदर अनेक महानुभावों ने लाभ लिया है, मैं उनकी जानकारी उसमें मुख्य रूप से श्री आरफमल जी बेद परिवार चेन्नई, श्री रमेश जी मुथा एमएम एक्सपोर्ट चेन्नई, श्री मनोरीबेन कंवरलाल जी बेद चेन्नई, श्री हुक्मीचंद जी कोठारी सूरत, बंसरीबेन बकुलबाई झवेरी, मानसीबेन चिंतन बेशा परिवार मुंबई, श्री बादल देवी टोटोमल जी कटारिया दिलसुरा जी कटारिया इंदौर, पद्मरत्न सागर के संसारी परिवार वीर श्वेता आलाप परिवार गांधी परिवार, लब्धि रत्न सागर जी मसूद के संसारी परिवार अभयचंद भाणाचंद परिवार चेन्नई, साधु वर्या श्री सिद्धांत ज्योति समाज की प्रेरणा से श्री मांगी देवी शांतिलाल जी बंदा मुथा गोयमतू एवं एक ग्रस्त एक सदग्रस्त की ओर से उन्हीं की प्रेरणा से एवं श्री रमेश जी प्रीतेश जी औसतवार इंदौर, जयंतीलाल जी पारसमजी तेलवाला हरियाणा परिवार उज्जैन, संजय जी सिसोदिया, संजय जी मांगीलाल जी सिसोदिया ताल, चंपालाल जी अरुण जी फुलेरा पिपलोन, एक सदग्रस्त परिवार श्री हेमेंद्र श्री जी महाराज दादी महासाब की प्रेरणा से चेन्नई के संध्या बहन और उनके व्यापारी मित्र मंडल ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, श्री प्रफुल्ल भाई अमीचंद जवेरी परिवार, श्री सूरजमल जी मांगीलाल जी माणाव परिवार, श्री धनपाल जी हड़पावत प्रतापगढ़, श्री शैलेश भाई दावड़ा प्रतापगढ़ एवं श्री पंकुभाई भूरमल जी कोठारी परिवार, श्री तेजराज जी कोठारी चेन्नई, श्री वेलजी भाई माणिकचंद मणियार परिवार चेन्नई एवं हमारे साजी मन सबके संसारी परिवार के नाम भाई श्री कमल कुमार जी मंडोवरा जयपालपुर वालों ने भी इसमें अद्भुत लाभ लिया है। निशालिए और भी इसमें कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं और अद्भुत लाभ भी गंगा में लाभ ले सकते हैं। अंतिम बृहद शांति का श्रवण अंजलि मुद्रा के द्वारा समर्पण मुद्रा भी कहते हैं, सर्वस्व समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे तो ही सर्वस्व हमें प्राप्त होगा, इसी भावना के साथ बृहद शांति का श्रवण गुरु मुख से करेंगे अंजलि मुद्रा। भो भो भव्या श्रुणुत वचनम प्रस्तुतम सर्वमेतद् ये यात्रायाम त्रिभुवन गुरोरारता भक्ति बाजम तेषां शांतिर् भवतु भवताम अरदादि प्रभावम् दारोग्य श्री दुसिमति करी क्लेश विद्वंसयतुम् भुवो भव लोका ఏ వజ్రావ దేవదేవ సంభవనం సమస్త తీర్థం నిర్మలం కమలంద్రం మౌ దినా విజ్ఞాయ ఫోజమృతి సుఘోషా ఘంటా చాలంద్రం సవర్ సవసంద్రై స సమర్థి సమయం సవనే మరుపటాకం గుర్తువా గుర్తువా గంగా విషంగే వీద జన్మ విషయ శాంతి ముఖోషతి రతవం ఉదాను గాయ గుర్తువా మహాజనే గుర్తువా ఇది భవి జనే సమంత సాధకే సాంతం దాయ శాంతి ముఖోషామి తద్ పూజా దర్శనా దేవ సవరంద్రం ఇతి గుర్తువా గణం గుర్తువా నిశమితాం నిశమితం స్వాహం ओम पुण्यां पुण्यां प्रियंतां प्रियंतां भगवान तोरंद सर्वना सर्वदेश नाथ तिरुगदास 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 ओम ऋषभ दशम अभिनंदन समति पदोर्व सुपाशिंद्र ब्रह्म सुजीव दर प्रेम सब वासु जग मिलन धर्म शांति कुंतला मणि मुरु सुदा नमिनी पाश वर्धमान दा जना शांता शांति ग्रहण स्वाहा ओम रेम श्रीं दुदिमुदि ओम रेम श्रीं दुदिमुदि गति गांधी बुद्धि लक्ष्मी वेदा वेदा पाद वर्षण सुफोद नाम जनते जेंद्राम ओम रोहिणी प्रगति वज्र सुंदर आवतन भी ओ प्रतिदर बुद्धता काली मकाली गौरी अंधारी फरोसर माजुर मान मिटा अच्युत मान सीमा मान शिखर वदित रक्षण तंत्र हम स्वाहा ओम आचार्य बाजे भक्ति जातो नस्य श्री श्रवणंद से पंडित गुदुश को विशुद्ध ओम ग्रहास ने पुरंगरकम भूत प्रवृत्ति पुर फरंत राव गुरु पिता फलो कला सोम यम विड़ कुरो उभिरवास दित्यम स्कंद विनाय कुदा ये चन्य विग्राम नगर नगर रक्षित करता देखते सर्वे प्रियंतां प्रियंतां अक्षीण कोश कुष्ठकरा
शांति शांति करो श्रीमान शांति दुष्ट में गुरु शांति देव अपदा देश हमेशा शांति गुरु प्रेम उन्मृष्ट अरिष्ट दुष्ट ग्रह गति दो स्वप्न धुनि में तति संपाद देते तो हमन मरणम जति शांति श्री संग जगत जन मतलब राजा देव राजा सुनिश्चित गोष्ठ को पूर्ण करण व्यने वैरे शांति श्री श्रवण संगस्य शांति भवतु श्री जनपदानां शांति भवतु श्री राजाधिपानां राजसन्निवेशानां शान्तिर् भवतु श्री गोष्ठिकानां शान्तिर् भवतु श्री भक्तजनानां शान्तिर् भवतु श्री भक्तजनस्य शान्तिर् भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर् भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पाद संदेह स्वाहा ऐशा शांति प्रसाद अपना देव फानी फुम शांति कलशम गुरु दुआ कुंगो मंचन कर्पूरा गुरु दुआ हो सुमंदरी स्नात दुष्ट सुकाम त्रिभंग कम इधर बुद्धि उपसी पुष्प अपने जना बनाए उधर पुष्प मातम करने दुआ शांति मुद्वे शुद्वा शांति पान ये मस्त के दादा मिति नृत्यंति नृत्य मणिपुष्प वर्षम सुजन्ति गायन्ति च मन्त्राणि सोत्राणि गोत्राणि वदन्ति मन्त्राणि कल्याण भक्तोऽहिनावशेषे शिवमस्तु सर्वजगत् वरैतनिर्था भवन्तु भूतगणाः दोषा प्रयान्तु नाशं सरस्वती होतुलोकम् आं तिक्तरमया शिवा देवी तुमन निवासिनी अमस्यवं तुमस्यो मस्यो मम स्यों दुःखा उपग्रहाः क्षेमयन्ति खिष्यन्ति विनवलयम् मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयिनं जयति शासनम् पुण्यशालियों वास्तवक्षेप यहाँ पर अभी नहीं डाला जाएगा वास्तवक्षेप के लिए सभी जम्मूदी में पधारना है भीड़ न करें लाइन से सभी पधारें और खूब प्रसन्नता के साथ में इस मंगलिक में आप जुड़े उसकी अनुमोदना पुण्यशालियों आज बड़ी संख्या में बंबई से अहमदाबाद से एमपी से राजस्थान से भिन्न भिन्न स्थान से जो विराट जन सैलाब यहाँ पर उपस्थित है और वो भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और पूरा का पूरा सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो आप सब बैठे हैं मैं आपके भावों की अनुमोदना करता हूँ और भविष्य में इसी प्रकार से आप मंगलिक आदि में सुन करके अपने जीवन को उन्नत करेंगे। ये जो महामंगलिक ये गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न स्वामी सरस्वती महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हीं की महामंगलिक है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ जो उन तक अपनी बात पहुंच आप तक अपनी बात उनकी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूं। आइए हम सब बराबर शांति से शांति के साथ में चले कोई जल्दबाजी नहीं करें प्रसन्नता के साथ में आपने सुना पुनः पुनः अनुमोदना 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 बोलो जिन शासन देव की जय बोलो संकेश्वर अपार सनातन भगवान की जय बोलो नवरत्न सागर महाराज की जय विश्वरत्न महाराज की जय। आज मैं इधर पालीदाना में महामंगलिक के प्रसंग में आया हुआ हूँ विश्वरत्न महाराज साहब के निश्रा में। आज जो महामंगलिक हुआ है उसमें मैं बॉम्बे से पधारा हूँ। मेरा नाम है विजय विनोद भाई शाह। जब भी महाराज साहब का बॉम्बे में चातुर्मास था हमारे उधर वीरानीवाड़ी में तभी उनके संपर्क में आए। मेरे पिताजी उनके परम भक्त हुए थे। मेरे पिताजी का भी अंतकाल हुआ है और उनकी खास वो थी कि मेरे को ये पोजिशन महाराज के विश्वरत्न महाराज साहब के साथ भी करना है। इसके लिए उनकी भी जो इच्छा अधूरी थी तो उसके लिए मैं मेरा पूरा परिवार मेरे मम्मी के साथ मम्मी वाइफ और दीदी के साथ में हम इधर आए हुए हैं। आज उनका महामंगलिक हमने पूरा अटेंड किया और हम लोग को जो दो साल पहले हम लोग ने महामंगलिक अपने कांदोली में करवाया था उसका पहला चढ़ावा हमारा था वही आज हमको ऐसे वापस रिकॉल हुआ। ऐसा लगा कि हमने वही महामंगलिक वापस करवाया हुआ है और ये महामंगलिक सुन के रियली हम लोग को इतना मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जल्दी ये जो कोरोना के अपने की तकलीफ जो है जो गुरु जी अभी उनके तो उनका कंटिन्यू उसके लिए जाप चालू है तो अपने को तुरंत ही इसमें से जल्दी अपने को बाहर निकल जाएंगे ऐसा अपने को लग रहा है।